मुझे मालूम है कि वो लोग जो हैं बहुत डेस्परेट हैं, लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, 50% से लोग जो हैं गंदा पानी पीने की वजह से अस्पतालों में हैं और जो है बीमारियां हैं। तो हम चाहते हैं कि बेशक हम 24/7 काम करें, हम गरीब लोगों को पीने का साफ पानी हर शहर में, हर कस्बे में, हर टाउन में, हर जगह पे पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारा इंशाल्लाह मिशन है। हमने हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ बनाई हैं जिसमें वहाँ के जो इलेक्टेड मेम्बर्स हैं उनके मेम्बर हैं, उन्होंने साइट्स आइडेंटिफाई की हैं और डिप्टी कमिश्नर जो है हर डिस्ट्रिक्ट का उस कमेटी का चेयरमैन है। आप देखेंगे कि हमारा जो फेज़ वन है वो दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा और फेज़ टू जो है जून 2021 से पहले इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा और लोगों को पीने का साफ पानी जो है मिलना शुरू हो जाएगा। एक रुपया गवर्नमेंट के ख़जाने से इस स्टेज पे पहुंचने के लिए हमने हुकूमत का खर्च नहीं किया है। जहां तक पीने का साफ पानी है उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इमरान खान कमिटेड हैं, उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कमिटेड हैं और इंशाल्लाह यूँ ही अगर ये पैसे अगर हमसे ख़त्म भी हो जाएंगे तो मुझे यकीन है कि हुकूमत जो है हर सूरत में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको टॉप प्रायोरिटी देगी।